हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं स्थानीय भाव के बारे में। तो उनका इंस्टाग्राम आईडी डिलीट हो चुका है। अभी डिलीट क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो हुआ क्या कि हिंदुस्तानी भाव अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट किए थे जिसमें वो शाहरुख खान की न्यू मूवी को कुछ उल्टा बोले हैं। तो इसी कारण शाहरुख खान के फैंस ऑफेंड हो गए हैं और उनके आईडी को रिपोर्ट कर दिए हैं वो। और वो अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वो साफ साफ बोल रहे कि जो भी अब हिंदू रिलीजियंस का मजाक उड़ाता है उनको सीधा मारो बोल के, मतलब सारा कंप्लेन साइड में सीधे मारो। तो उसी से रिलेटेड उनका और कुणाल कामरा का कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ है। तो आप भी देखिए उस रिकॉर्डिंग का छोटा सा क्लिप। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, आपने एक वीडियो डाला है जहाँ आप बोल रहे हैं कि कोई भी कॉमेडियन अगर धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी होगा, तो अभी पुलिस साइड में, कंप्लेन साइड में वो सीधा पीट दीजिए रास्ते पर, अभी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी जो भी है, ये इससे तो नहीं हो रहा है, सॉरी सर। पर आपको नहीं लगता ये गलत है क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट है? कैसा गलत है? यानी हर वक्त हर टाइम सिर्फ हिंदू हिंदू भगवानों को, हिंदू धर्म को उनका मजाक उड़ाते रहेगा क्या कोई भी? नहीं नहीं, अगर कोई आपके कोई भी आस्था का मजाक उड़ाए, जैसे मेरी मेरी आस्था अगर बोधी धर्म में है या हिंदू धर्म में है और मेरी आस्था का आप अगर मजाक उड़ाते हैं तो मेरे पास डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं 295A है लॉ, हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट्स एंड इंसाइटिंग वायलेंस, उसके खिलाफ मैं कंप्लेन करूँ। और चलिए हम अपने न्यूज़ के बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं शरद के ट्रेलर के बारे में। तो शरद का ट्रेलर सेकेंड मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर और वीडियो बन चुका है ऑन दिस प्लेटफॉर्म यूट्यूब।